जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, शायद इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना ना पहले कभी हुई, और मैं आशा करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना कभी ना हो। ये घटना है एक साथ एक ही केस में 56 जवानों को जेल भेजने की। 56 जवान जेल भेज दिए गए हैं, जिसमें सिपाही, नायक और हौलदार हैं, और 18 जेसीओ, जिसमें नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, उनको अभी कुछ एक या दो दिन में उनको भी सिविल जेल में भेजा जाएगा। एक ही केस में सिर्फ 3 मेजर साहब और 1 सीओ को बचाने के लिए, और 1 मेजर साहब की फैमिली जिसके ऊपर पूरी घटना घटी है। इस घटना का सारा जिक्र मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद कुछ लोगों को पता होगा, उनको ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता इस तानाशाही घटना की जानकारी हर एक युवा साथी को, हर एक रिटायर्ड फौजी या ऑन ड्यूटी सर्विस वाले या जितने भी हमारी आम जनता है, सबको पता लगे कि आर्मी में जो ये तानाशाही हुई है, शायद अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी तानाशाही नहीं हुई। ये पहली घटना है कि 56 जवानों को जेल भेजा गया, डिसमिस भी कर दिया गया और जेल भेजा गया, और उनकी जमानत तक नहीं हो रही है। तो इस घटना को बताने से पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट बताना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुन। सबसे पहले जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ये है कि इस वीडियो को हिंदुस्तान का हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक आदमी देखे। 130 करोड़ जनसंख्या में शायद अभी मेरे को लगता है 2% जनता भी इस घटना के बारे में नहीं जानती, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये घटना पूरे हिंदुस्तान की जनता के हर एक जवान को, रिटायर को, नौजवानों को, आम जनता को, सबको पता चले। तो जो भी भाई इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करें। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं ये चीजें जरूर करें, ताकि आम जनता को पता चले कि किस तरह हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस घटना को किस तरह का रूप दिया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इन 56 जवानों को बचाना चाहते हैं, और 18 जेसीओ को जिनका अभी कोर्ट मार्शल करके उनको भी जेल भेजा जा रहा है, अगर इनको बचाना चाहते हैं, तो मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक, पूरी मीडिया के थ्रू, आम जनता में जगह जगह आंदोलन कर इस घटना की सीबीआई जांच कराना चाहता हूं, जिसमें आप लोग को मेरा सहयोग करना होगा। मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, पहले वो नोट कर लो, 8290354513, 8290354513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, और मेरा पेटीएम नंबर भी है। पेटीएम इसलिए बोल रहा हूं कि इस घटना में केस करने के लिए या आंदोलन जो भी करने के लिए पैसे की जरूर पड़ेगी, वो मैं अकेला नहीं लगा सकता। दूसरा, मैं इसी में अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले में दे दूंगा, उसमें देख के आप एक्सिस बैंक में डाल सकते हो या इस पेटीएम नंबर में भेज सकते हो। एक एसबीआई का भी दे देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्सिस का नहीं है, तो एसबीआई का भी अकाउंट दे दूंगा। इन सब अकाउंट में आप लोग जो ऑन ड्यूटी वाले हैं, 100 या 50 रुपए कट करके किसी भी तरह इसमें भेजो। जो रिटायर जनता है, जिनको लगता है रिटायर जवानों को कि हाँ इनकी मदद होनी चाहिए, वो भी भेजे, और आम नागरिक, भारत देश के जो हमारे जनता है, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप बचाना चाहते हो इनको, ये वही 226 फील्ड इंजीनियर, फील्ड आर्टी रेजिमेंट है, जिसमें कारगिल ने अपना जोश दिखाया था, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, ये वही नौजवान हैं, और आज इनको एक छोटी सी गलती पे, वो गलती है भी या नहीं, या एक षड्यंत्र है, जब सीबीआई जांच होगी तभी पता चलेगा। तो इनको न्याय दिलाने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करने होंगे। आप अगर मेरी मदद करोगे तो मैं इस मामले को चाहता हूं कि जोर शोर से उठाया जाए और इनकी तानाशाही बंद हो। इनकी तानाशाही तभी बंद होगी जब ये राज खुलेंगे, क्योंकि ये ऊपर से लगाकर नीचे तक अपने अफसरों को बचाने के लिए इतना बड़ा, मैं कहता हूं कि शायद ही अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, ना हिंदुस्तान में पहले कभी इस तरह का कोई कदम उठा कि इतने जवानों को, इतने जेसियों को एक साथ भेजा गया हो, और ना मैं भविष्य में भगवान से भी वो करता हूँ प्रार्थना और
हमारे इन अधिकारियों से भी ऐसी घटना ना घटे। तो यह हो गई जो घटना मैंने बतानी थी, अब उसका मैं जिक्र बताता हूं कि घटना कैसे घटी। ये घटना 2012 की है, 226 आरटी की फील्ड रेजिमेंट है जो कि फील्ड एरिया में थी, और वहां जवान और जेसीओ पोस्ट पर ये लोग ही रहते थे, वहां कोई अफसर नहीं था। बर्फ गिरी हुई थी, करीबन 56 ओवास और 18 जेसीओ थे और एक दो जवान और थे और कुछ सिविलियन रहते थे वहां। हमारे फील्ड रेजिमेंट के जो 3 मेजर साहब, 1 सीओ और उनकी फैमिलियां वहां पिकनिक मनाने के लिए गई थी। पिकनिक के दौरान जब वो वहां पहुंचे तो उनको सहायक दिए गए थे, क्योंकि आपको पता है ये तो एक काम भी नहीं करते जिसके लिए भी मैं लड़ रहा हूँ, सहायक सिस्टम के लिए। सहायक इनको चाहिए रूम में चाय पहुंचाने के लिए, रूम में खाना पहुंचाने के लिए, इनके बूट पॉलिश करने के लिए, इनके कपड़े धोने के लिए, इनके झाड़ू बर्तन सब करने के लिए, तो इनको सहायक दिया गया था। एक जो मेजर साहब था उसका सहायक था एक बार्बर, ट्रेडमैन था, बार्बर ट्रेड से था वो लड़का। डिटेल था मेजर साहब की सेवादारी के लिए। अब घटना घटी या नहीं घटी ये तो सीबीआई क्लियर करेगी। उनकी मैडम ने उस लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, क्या छेड़छाड़ की या बोला मेरी तरफ पूरी नजर से देखा। अब किस नजर से कौन देखता है वो तो, या तो वो लेडीज जाने या वो बार। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे उस सहायक ने मेरे को पूरी नजर से देखा। इसी बात पर गुस्सा होकर मेजर साहब उस लड़के को बुलाया, मेजर साहब ने उस लड़के को खूब मारा पीटा, वहां से हटा दिया। उसके बाद फिर शाम को इन्होंने दारू दूरू पी, 3 मेजर साहब थे, सीओ भी थे और इनके 1-2 अफसर और थे, टोटल 10 अफसर बताए जा रहे हैं। इन्होंने शाम को मीटिंग की कि ऐसे ऐसे हो गया और हम लोग बैठे हैं। इन्होंने फिर उस जवान को बुलाया, बोले बुलाओ उसको, और वहां बुला के उसको नंगा करके खूब मारा पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। खूब मारा और मारकर वहां जो जवान थे उनको कहा कि पीछे बर्फ पड़ रही है, इसको बर्फ में फेंक दो, या तो थोड़ा सुबह तक सुधर जाएगा या मर जाएगा। जवानों के द्वारा उसको पीछे फेंका दिया गया। जब उनमें से एक जवान, उसको दया आ गई कि भाई जवान है, ये हमारा गलती की ये नहीं की, ये तो बाद की बात है, लेकिन मरे ने उसने जाके पीछे जो हमारे जेसीओ साहब थे और जवानों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है साहब, उस जवान को मार के बेहोश हालत में पीछे फेंक दिया गया है और चल के उसको बचा लो। तो वहां से 3-4 जेसीओ और 8-10 जवान आए कि भाई चलो उसको हम लेके और MH पहुंचाएंगे। तो ये घटना जब वहां से चले तो आपको पता है हर जगह इनके चमचे भी होते हैं, वहां किसी ने फोन कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे वो जवान को MH दिखाने लिए जा रहे हैं। तो फिर अफसरों ने मीटिंग की कि कहीं इसको MH ले जाएंगे, कोई खड़ा खड़ा होगा। तो सीओ साहब ने बोला कि ठीक है मैं जाके उनको रोकता हूँ। सीओ साहब और एक मेजर साहब जाके बीच में ही उनको बोले साहब उसको पढ़ा रहे थे, उसने गलती की, एक मैडम के साथ ये किया वो किया है, लेकिन वो जवान और जैसे बोले साहब जो गलती की है उसकी सजा इसको दी जाएगी, आपने दे भी दी, लेकिन इसको MH पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो बोले नहीं हम MH लेके जाएंगे। सीओ साहब ने थोड़ा सा गर्मा गर्मी मना किया लेकिन वो नहीं माने, वो जाके उसको उठाने लग गए। तो इधर से ये 8-10 और अफसर और सारे जाके वहां आपस में बहस करने लगे कि नहीं इसको यहीं पड़े रहने दो, हमारा ऑर्डर है, ये है वो है, कुछ भी कहा होगा उन्होंने। और वहां जवानों की उनकी थोड़ी बहुत बहसा बहसी हुई, लेकिन जवानों ने उसको उठा कर ले जाने लगे। तो सीओ साहब बोला कि मैं अपनी जिप्सी में ले जाऊंगा इसको। बोले नहीं साहब आप लोगों को विश्वास नहीं, जब आप इसको पटक सकते हो मार सकते हो तो हम अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे। इसके बाद सीओ साहब ने उस जवान को बोले नहीं मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। खेचातानी हुई है, मेजर साहब ने एक जिप्सी स्टार्ट की है भागदौड़ी में कि साहब इसको अपनी गाड़ी में घेर लो मिलके, और सीओ साहब उसको अपनी गाड़ी में घेर रहे थे भागदौड़ के। उस दौरान सीओ साहब भी गिर के उनके भी चोट लगी और उधर जवानों ने उसको भागा दौड़ी करके खींच खांच के कैसे भी और अपनी गाड़ी में घेर लिया और MH लेके चल दिए। यहां से और जवान भी बुलाए गए कि साहब यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, ये नहीं मान रहे, और जवान बुलाए गए, उसकी खबर फिर उसको लग गई। तो वो जो 3-4 मेजर साहब थे वो भाग गए, सिर्फ एक सीओ साहब और एक मेजर साहब बचे, उनके कहने पर फिर ये शांत हुए। उसके बाद वो लेके उसको MH लेके गए, MH उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा के उसको ले जाया गया और सीओ साहब भी वहां पहुंच गए। वहां पहुंच कर दोनों को इलाज हुआ और इस घटना की जानकारी ऊपर दे दी गई कि ऐसे ऐसे घटना घट चुकी है। अब ये घटना हुई घटी तब उनको सुबह सारे इकट्ठे हुए,
वो मेजर साहब चले गए थे अपने अपने वहां से, नीचे बीच में आ चुके थे। तो उस घटना का जिक्र जब ब्रिगेड कमांडर को किया गया, वो तब आए वहां, बोले ठीक है भाई, इस घटना पर कार्रवाई होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। वहां एक इन्फेंट्री रेजिमेंट और एक ब्रिगेडियर साहब उन पर तैनात कर दिया गया जवानों पर, कि भाई ठीक है आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। जवानों ने कहा अफसरों की गलती है, अफसर ने कहा जवानों की गलती है, बोला ठीक है आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी और वो आपको नीचे जाना होगा। आप ऐसा करो 8-10 जवान और 3-4 जैसे एक शिफ्ट में जाओ, ऐसे 3-4 शिफ्ट में जाना होगा क्योंकि पोस्ट भी संभालनी है, सेना के काम भी चलने हैं। मतलब एक प्रेशर उसी टाइम इनके लिए एक षड्यंत्र रच दिया गया था कि भाई इन जवानों को, जो 8-10 जवान जो पहले आए थे उनको फंसाना है और जैसे को फंसाना है, क्योंकि अगर वो जवान मर गया तो अफसर फंस जाएंगे। उस जवान को ट्रीटमेंट चलता रहा, शिव साहब वहां से ट्रीटमेंट करवा के वापिस आ चुके थे। कोई ज्यादा शिव साहब को चोट नहीं थी, ना किसी अफसर के चोट थी, लेकिन इन्होंने एक ये लगा लिया कि वो तो झगड़ा करने आए थे, अफसरों को मार देते, ऐसा कोई केस बना के ऊपर ही ऊपर इनको पहले शिफ्ट में 8-10 जवानों को वहां से उठाया गया क्यूआरटी द्वारा और नीचे लाया गया कि भाई आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। ऐसे करके पहले 10 को लाया, उन पर केस चलाया, फिर और करके इस तरह 16 जवान और 3-4 जैसों को पहले इंडिकेट किया गया कि भाई इन लोगों ने अफसरों को मारपीट करने की कोशिश की थी, इसलिए इनका कोर्ट मार्शल हुआ। बाकी जवानों को गवाह के तौर पर तैयार करने के लिए उन्हीं मेजर साहबों को भेजा गया जो पहले उनसे लड़ाई कर रहे थे। वो 8-10 मेजर साहब गए, एक दो और इधर उधर से अफसर गए, उन जवानों को बाकियों को बुलाया गया। वो जवान मतलब नंगे करके उनको मारपीट और इतनी यातनाएं दी गई कि आप या तो गांव बन जाओ नहीं तो आप भी घर जाओगे। उनको खूब मारा पीटा, लेकिन उन जवानों की मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बोला कि जो सही है हम वही बताएंगे, जो घटना हुई है बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो जवान किसी ने झूठ नहीं बोली, पहले 16 थे, फिर और ऐसे करते करते वो सारे उनके 56 जितने जवान थे सबको लाके 10-10 की में, और सबका उनको क्या एक्ट लगाया क्या नहीं, उनको सबको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चला के मारकूटी कर करके सहन करवा के, और इसमें जो गवाह बनाए गए हैं वो कौन है, सिविलियन, वहां जो सिविलियन थे वो बनाए गए हैं। एक जो जवान अफसरों का वो चमचा था वो गवाह बनाया कि हाँ साहब ये मारने गए थे। इस तरह करके सिविलियन वगैरह को गवाह बना के सबसे पहले 56 जवानों को जेल भेजा गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। उसके बाद में 18 जेएसयू, क्यों जेएसयू राष्ट्रपति रैंक होता है, इसलिए काफी दूरदर्शी अफसर ये छांट के कहां कहां से बुलाए, और जेएसयू साहब बता रहे हैं कि इनकी वहीं पार्टी चलती है, वहीं खाते पीते हैं, किसी अफसर को कुछ नहीं हुआ, और उन 56 जवानों को जेल भेज दिया। और अभी 3-4 दिन और बचे हैं, वो जेएसयू साहब बोल रहे हैं कि हमारा भी कोर्ट मार्शल होकर हमें भी सिविल जेल भेजा जाएगा। तो इस केस में जो भी घटना घटी, मेजर साहब की वाइफ को उन्होंने देखा कि नहीं देखा छेड़ा, वो सब चीजें मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो तभी जाकर निकलेगा। और अगर एक जवान ने गलती की थी, इस तरह 56 जवानों को, ना किसी का मर्डर हुआ था ना कोई कुछ हुआ था। 2012 का केस है और वो 13 में बंदे जेल में पड़े हैं, 4 साल तक ना उनकी जमानत है, नहीं मतलब किसी ने मर्डर तो किया नहीं, अगर किया, अगर एक पर लगाते भी हैं तो इल्जाम एक पर आता, लेकिन आज तक उन जवानों की जमानत नहीं हुई है। वो जेल में बैठे हैं, बाकी पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, इन जेशों पे भी इनको भी भेज दिया गया। और जो कहते हैं ये, इन्होंने एक दो वकील वगैरह से बात की तो ये लोग कहते हैं कि जहां चाहो चले जाओ, हमारा जो आर्मी कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगा कोई तुम्हारा कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके सामने ही आराम से वो खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, और उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है। इस केस में मैंने एक दोस्त इधर उधर से बात की तो बोलते हैं कि भाई अफसरों को, रेजिमेंट को ही तोड़ दिया गया, अफसरों को भी सजा, तो अफसरों को क्या बोल रहे हैं, अफसरों को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, वहां से ट्रांसफर करके दूसरी यूनिट में कोई कमांड कर रहा है, कोई कंपनी कमांडर की कमांड कर रहा है, कोई सीओ की कमांड कर रहा है। लेकिन जवान आज जेल में पड़े हैं, उनके परिवार खाने के लिए तरस रहे हैं। किसी के तो एक ही लड़का था, किसी के माँ बाप नहीं, सिर्फ फैमिली और बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे अभी। तो मैं भारत सरकार से, ऊपर बैठे अधिकारियों से बताना चाहता हूँ, खासकर एक फौजी अधिकारी, तो मेरे को पता है ये आपस में मिले हुए हैं, ये इसको किसी भी हालत में सेट आउट नहीं होने देंगे। अब मैं जज साहब से उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जिस पे आरोप लगा रहा है और वही अगर जांच करेंगे तो फिर कैसे जांच होगी, तो इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। आज अगर एक छोटा सा केस हो जाता है, कोई मर्डर कर देता है, कोई कुछ भी मर जाता है, लोग सीबीआई जांच मांग लेते हैं। आज कोई नेता का कुछ भी हो गया, छोटा सा सीबीआई जांच मांग लेते हैं। तो इस तरह का बड़ा केस जिसमें 56 जवान जेल में पड़े हैं और 18 जैसे और जाने वाले हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए एक से एक वो काम किए,
और आज उनको जेल भेज दिया गया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से गुजारिश करता हूं कि इस केस की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट से, इतने बड़े केस पे आप, वैसे सुनने में आता है कि आप किसी भी केस को जब उसमें आता है तो आप अपना आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो, तो इस केस की भी आप अपने आप को करो और इसकी सीबीआई जांच कराओ, नहीं तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नाम पर इसको लटकाते रहेंगे और वो जवान कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। आम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो तो इन जवानों को इंसाफ मिले तो इसको इस हिसाब से वायरल करो। उसके साथ ही मैं फेसबुक में, ट्विटर में इसके पोल वगैरह भी करवाता हूँ, किसी वेबसाइट से भी बात करता हूँ कि इसका पोलिंग करा जाए, मीडिया से बात करता हूँ कि इसको जोर शोर से उठाया जाए ताकि उन जवानों को न्याय मिले, और नहीं मिलेगा तो दोस्तों जो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने अपनी कार्रवाई करने के लिए ये चैनल बनाया है जवानों की, अगर इनको भी न्याय नहीं मिला तो फिर मैं व्यर्थ हूँ मैं सोचता हूँ। अब आपको जोर शोर से उठाना है और उन जवानों को न्याय दिलाना है। आज का ये विशेष वीडियो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो तानाशाही, शायद मैंने तो कभी अंग्रेजों के जमाने में या ऐसे टाइम में भी ऐसा केस नहीं देखा था, तो इसको जरूर हल कराएं। और रही बात जो मैंने पहले वीडियो डाले हैं, आप कहते हो क्या होता है, उस वीडियो के जरिए जो हमारी रेजिमेंट का केस था वो सेट आउट हो चुका है रेजिमेंट के अंदर ही। बीएसएफ का केस जो घर भेज रहा था वो उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरी यूनिट में जाके उनकी इंक्वायरी चलेगी, वो भी स्टे हो चुका है। तो होता सब है, जब आप लोग साथ दोगे ये चीजें बदलेंगी, जैसे जैसे ये चीजें जनता के बीच में जाती हैं, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर जनरल तक कोई भी हो, जब जनता के बीच में केस आता है तो उसका हल करना ही होता है। तो ये जनता के हाथ में है, आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो उन जवानों को न्याय मिले तो इस चीज को जोर शोर से उठाओ, और हर एक आदमी के फोन में और हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश के जवानों के साथ। जय हिंद, जय भारत। आगे की कार्रवाई इसी चैनल में बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।